कितना अच्छा हो जब किसी फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है और हम फ़ोन को बिना पैटर्न बनाए बिना पासवर्ड डाले हम अपने फ़ोन को अनलॉक कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे, आपको हम बताएंगे कि कैसे बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फ़ोन में, और वो चाहते हैं कि बिना पैटर्न बनाए बिना पासवर्ड डाले खोल लें, तो बड़ी आसानी से एंड्रॉयड के ऐसे फीचर की मदद से काम में ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाना होगा और सिक्योरिटी ऑन करना होगा। सिक्योरिटी में मान लीजिए मैं पिन और यहाँ पे 2 3 4 4 एग्जाम्पल, यहाँ पे शो ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट लॉक आ गया है, यही वो है फीचर जिसकी मदद से आप बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले मोबाइल में बिना पैटर्न बनाए बिना पासवर्ड डाले आप अपनी फेस अपनी वॉइस एक प्लेस एक ट्रस्टेड डिवाइस से डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन बॉडी डिटेक्शन ट्रस्टेड प्लेस, कि ऐसा वो प्लेस जिसे आप अपने लोकेशन में डाल देंगे तो वहाँ पे हमेशा आपका फ़ोन अनलॉक रहेगा। ट्रस्टेड डिवाइस, आपका कोई भी कार डिवाइस हो, कार ब्लूटूथ हो, आपका फ़ोन का ब्लूटूथ हो, उसे आप ट्रस्ट कर देंगे तो यहाँ उसके नियर में आने ही उसके कंटेक्ट में आते ही ये जो आपका डिवाइस है वो अनलॉक हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रस्टेड फेस पे, क्योंकि ट्रस्टेड फेस एक अच्छा रहता है, क्योंकि जब तक आप अपना फेस जैसे अपना जब तक आप फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करेंगे अपना फिंगर स्कैन नहीं करेंगे तब तक आपका डिवाइस अनलॉक नहीं होगा। वैसे ही आप जब तक आपका फेस स्कैन नहीं होगा इसमें तब तक आपका डिवाइस अनलॉक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें डिवाइस ट्रस्टेड डिवाइस, ट्रस्टेड डिवाइस मान लीजिए आपका है, तो फिर यदि आपका डिवाइस आपके पास है तो बिना पूछे यदि कोई दूसरा भी उस डिवाइस को आपके पास है और दोनों डिवाइस उसके पास है तो बड़ी आसानी से ओपन कर सकता है, पर आपका फेस दूसरे फेस से मैच नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर ट्रस्टेड फेस करते हैं और यहाँ पे फेस ऐड करते हैं। सेटअप पिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आसानी से कि ये जो है ये मेरा फेस जो है डिटेक्ट कर लिया है, उसके बाद में ये जो है आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को आपने लॉक करना है फिर ऑन करना है। और यहाँ पे देख, यहाँ पे जो इमरजेंसी कॉल के नीचे ये जो आपका फेस दिखा रहा है, तो जैसे मैं दूसरे को फ़ोन दे दिया और वो अपना फेस दिखाएगा तो ये डिवाइस जो लॉक रहेगा, उसके लिए उसके पिन या फिर पासवर्ड डालना ही होगा। पर यदि मेरे हाथ में डिवाइस हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मैं इसे अनलॉक करूँगा, यहाँ पे फेस जो दिखाई दे रहा है इमरजेंसी कॉल के नीचे, आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है वो अनलॉक हो गया है। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो इमरजेंसी कॉल के नीचे ये जो फेस का डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है वो अनलॉक हो गया है। तो इस फीचर की मदद से आप बड़ी आसानी से फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह अपने फेस को डिटेक्ट करके अपने फेस को डिटेक्ट करवा के अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में आप फ़ोन दे रहे हैं अपना, तो फेस डिटेक्ट करके आप उसे अनलॉक करके दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले। साथ ही कोई सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाइए और कॉमेंट कर दीजिए। अभी टेक्निकली ज्ञान गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपके लिए ऐसे अपलोड करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।